छिंदवाड़ा जिले के दमुआ में बैंक निजीकरण के खिलाफ नगर की दो ब्रांच के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बैंक के सामने बैठकर धरना दिया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों के साथ साथ कर्मचारियों को भी बड़ा नुकसान होगा। जिनारदेव के दमुआ में केंद्र सरकार बजट में दो बैंक ऑफ इंडिया एवं महाराष्ट्र बैंक को निजीकरण करने के विरोध में बैंक कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए दोनों बैंकों के कर्मियों ने हड़ताल करने की बात कही है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बैंकों को सौंपकर कर्मचारियों का हक छीन रही है। बैंकों के निजीकरण से न सिर्फ कर्मचारियों को नुकसान होगा बल्कि ग्राहकों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि सरकार ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोदी जी गरीबों का हक छीनना बंद करो, बंद करो। हाथ उठा के बस नारे लगा। बजट में भारत सरकार ने ये ऐलान करी है कि दो नेशनलाइज बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इस तरह से बैंकों के जब निजीकरण होगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। अब आगे की क्या रणनीति आपकी? आगे की रणनीति जैसे हमारी यूनियन यूएपीयू हमको आदेशित करते जाएगी, धरना प्रदर्शन करेगी और 15 और 16 ये मार्च को दो दिन की हड़ताल है बैंकों के द्वारा। बहरहाल देखना होगा कि बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन और चेतावनी का मोदी सरकार पर कितना असर होता है, लेकिन तेजी से बढ़ती महंगाई और निजीकरण को लेकर आम जनमानस में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। जनार्देव से अनिल साहू की रिपोर्ट।